दोस्तों यही है बॉलीवुड के महान खलनायक गुलशन ग्रोवर जी का घर। जी हाँ दोस्तों, इसी बिल्डिंग में गुलशन ग्रोवर जी रहते हैं, जो कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं गुलशन ग्रोवर जी का घर। जी हाँ दोस्तों, गुलशन ग्रोवर जी मुंबई में कहाँ पर रहते हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन है, उनका घर कैसा है, उनके घर की प्राइस क्या है, उनका नेटवर्थ क्या है, उनका बायोग्राफी क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, 21 सितंबर 1955 को दिल्ली में गुलशन ग्रोवर जी का जन्म हुआ था और उन्होंने बॉलीवुड में कैसे एंट्री की और अपना नाम कैसे बॉलीवुड में बिखेरा है, आज की इस वीडियो में सब कुछ हम आपको बताएंगे। दोस्तों आप लोगों ने शोला और शबनम मूवी देखा ही होगा, जिसमें यहाँ पर गोविंदा के साथ दिव्या भारती जी मौजूद रहती हैं और उसमें विलेन का रोल निभाते हैं गुलशन ग्रोवर जी। और आप लोगों ने शेरा ये हिंदुस्तानी मूवी देखा होगा मिथुन चक्रवर्ती का, उसमें भी विलेन का रोल अदा करते हैं गुलशन ग्रोवर जी। और साथ में आप लोग खिलाड़ियों का खिलाड़ी अक्षय कुमार का मूवी देखा ही होगा, जिसमें रेखा मैम का नाम रहता है माया और इनका नाम रहता है किंग डॉन। और इसमें एक डायलॉग फेमस है, माया मैं तेरा पलट दूंगा काया। आप लोगों ने ये मूवी देखा होगा तो आपको याद होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं। गाइज आपको बता दें, जो गुलशन ग्रोवर जी है ना, उनके नाम बहुत सारी हिट फिल्में हैं, जैसे विलेन का रोल अदा किए हैं इतना खतरनाक कि सबके दिलों पर वो छाए हुए हैं। अब धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना लिए हैं, तो आखिर अब हमारे गुलशन ग्रोवर जी क्या करते हैं, उनका जो भी खर्च है, पता है पैसा तो बहुत कमाया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो घर पे बैठे ही होंगे। आखिर वो क्या काम करते हैं, उनके फैमिली में कौन कौन है, उनके बच्चों का क्या नाम है, उनकी पत्नी का क्या नाम है, उनका घर कैसा है, उनका नेटवर्थ क्या है, ये कहीं ना कहीं जानने की इच्छा मन में ज़रूर होती है, जैसे कि मेरे मन में होती है। तो मैं यही सब चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको उनके घर के साथ साथ उनके बायोग्राफी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। फिलहाल मेरे पीछे ही उनका वो बिल्डिंग है जिसमें वो रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको सब कुछ दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अभी हम हैं संगीत महामहोपाध्याय मनीराजवी मार्ग पर और यहीं से करीब 100 मीटर की दूरी पर गुलशन ग्रोवर जी का घर है। हमें सीधे रास्ते से जाना है, ना कि ये रास्ता हमको जाना है। फिलहाल सीधे रास्ते से हमें जाके सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही उनका घर है। तो आइए चलते हैं। और जस्ट मेरे सामने ही उनका घर का गेट दिख रहा है, वो आगे वाला गेट है। अभी मैं आपको नज़दीक से चल के गाइज वहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं वही गेट है और वहाँ पर लिखा भी है वुड स्टॉक। देखिए, मैंने अभी चाय वाले अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि गुलशन ग्रोवर जी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। कौन से फ्लोर पे रहते हैं, आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताऊंगा और उनके फैमिली के बारे में भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं उनके घर का, उनके बिल्डिंग का यही मेन गेट है और बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है ये और बहुत ही शानदार लग्जरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखिए वहाँ पर लिखा है वुड स्टॉक और यहाँ पर एक ही गेट है इनके इस बिल्डिंग का, एक गेट है पीछे से लेकिन वो बंद पड़ा है। तो गाइज ये जो बिल्डिंग है ना, ये बहुत ही महंगी बिल्डिंग है और ये बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है, क्योंकि मेरे पीछे ना यहाँ पे वर्सोवा बीच है। जी हाँ, यहीं पर रणदीप हुड्डा, ममता कुलकर्णी जैसे कई अभिनेत्रियों और अभिनेता का घर भी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये गार्ड साहब जो गेट बंद कर रहे हैं, इसी रास्ते से गुलशन ग्रोवर जी आते जाते होंगे। मैंने गार्ड से पूछा भी तो उसने कहा कि रोजाना उनका अप डाउन कहीं ना कहीं लगा रहता है, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं है कि वो कब घर से अपने बाहर निकलेंगे और कब वापस आएंगे। काफ़ी बार तो वो काफ़ी लेट में रात में आते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो यही वो बिल्डिंग है जिसमें महान खलनायक, महान अभिनेता, महान कलाकार गुलशन ग्रोवर जी रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें, आप जस्ट इसके पीछे जाओगे ना तो आपको पूरा समुद्र का नज़ारा दिखेगा और वहीं से आपको वर्सोवा बीच से जुहू बीच का भी नज़ारा दिखेगा। तो ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है और आपको बता दें, जो सबसे लास्ट के दो फ्लोर आपको दिख रहे हैं ना, उसी दो फ्लोर में जो गुलशन ग्रोवर जी हैं वो रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुलशन ग्रोवर जी का सबसे टॉप फ्लोर पर ही घर है
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनके घर का, इनके बिल्डिंग का नजारा कैसा है। दोस्तों बॉलीवुड के बैटमैन को आखिर कौन नहीं जानता होगा, वो एक ऐसे अभिनेता हैं जो इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। गुलशन ग्रोवर ने बड़े पर्दे पर बैटमैन, शंकर बिहारी, किंग डॉन, टायसन, केकड़ा, कबीरा समेत विलन के कई दमदार किरदार निभाए हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में अब तक करीब 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और इनको बैटमैन के नाम से भी लोग जानते हैं। गुलशन ग्रोवर जी का जन्म 21 सितंबर 1955 को नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही की है। आपको बता दें, ग्रोवर को बचपन से ही अभिनय का शौक था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई खत्म होते ही अपने अभिनय की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर और स्टेज शो से की है। उसके बाद वो अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई चले आए। दोस्तों बॉलीवुड में बतौर विलेन उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता है। वो एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपने जबरदस्त अभिनय और अपने दमदार आवाज से फिल्म के हीरो को भी दहशत में डाल देते हैं। तो आप लोग सबसे ऊपर का जो फ्लैट देख रहे हो ना, उसी में गुलशन ग्रोवर जी रहते हैं। गुलशन जी ने हिंदी सिनेमा में अपना बतौर एक्टर दौलत शोहरत के साथ खूब नाम भी कमाया है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई तरह की मुश्किलों का भी सामना किया है। आपको बता दें कि स्कूल की फीस भरने के लिए गुलशन ग्रोवर जी सेल्समैन बने थे। साल 2019 में गुलशन ग्रोवर जी की ऑटोबायोग्राफी बैटमैन किताब रिलीज हुई थी। इसके लेखक रोशनीला भट्टाचार्य और गुलशन ग्रोवर थे। इस किताब में गुलशन ने जिक्र किया है कि वो अपने स्कूल की फीस भरने के लिए कोठियों में सामान बेचा करते थे। इस दौरान वो सुबह स्कूल बैग में अपनी सेल्समैन की ड्रेस लेकर जाते और सुबह सुबह घर जाकर बर्तन और कपड़े डिटर्जेंट पाउडर बेचते थे, क्योंकि उस वक्त उनका परिवार काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। 1970 के दशक में गुलशन ग्रोवर अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई पहुंचने के बाद गुलशन ग्रोवर जी ने मुंबई के मशहूर फिल्म स्टूडियो में अभिनय की औपचारिक ट्रेनिंग भी ली। इस दौरान अभिनेता अनिल कपूर और संजय दत्त उनके बैचमेट हुआ करते थे। इसके बाद वो उसी एक्टिंग स्कूल में टीचर बन गए। आज के बॉलीवुड स्टार उनके छात्र रह चुके हैं। गुलशन ग्रोवर ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1980 में मिथुन चक्रवर्ती स्टार हम 5 फिल्म से की थी। इस फिल्म में उन्होंने महावीर नाम का एक छोटा सा किरदार निभाया था। इसके बाद वो राम लखन सौदागर, सर मोहरा, राजा बाबू, विजय पथ, दिलवाले, यस बॉस, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, हेरा फेरी, 16 दिसंबर, जिस्म गैंगस्टर, आई एम कलाम और सूर्यवंशी जैसी बेहतरीन फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। 2021 में जो सूर्यवंशी मूवी आई थी उसमें भी इन्होंने अपना एक छोटा सा झलक दिखाया था। आपको बता दें, गुलशन ग्रोवर, दिलीप कुमार, राजकुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा समेत कई बॉलीवुड स्टार के साथ काम कर चुके हैं। वो अब तक करीब 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। बैटमैन ने इनमें से ज़्यादातर फिल्मों में विलेन के किरदार भी निभाए हैं। इसके अलावा वो हॉलीवुड, मलेशियन, ईरानी और कनाडाई फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। आपको बता दें, गुलशन ग्रोवर साल 2001 में और 2006 में बेस्ट विलेन का अवार्ड भी जीत चुके हैं। साल 2012 में उन्होंने आई एम कलाम फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का स्टारडर अवार्ड अपने नाम किया था। इसके अलावा वो फिल्म डेस्परेट एंडवर्म में एक भारतीय होली मैन के रूप में अपनी भूमिका के लिए न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल और हस्टून फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। दोस्तों आइए अब थोड़ा सा गुलशन ग्रोवर जी के पर्सनल लाइफ की बात करते हैं कि आखिर इनकी पत्नी कौन है और इनके बेटे कौन हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है। तो आपको बता दें, बॉलीवुड के बैटमैन गुलशन ग्रोवर ने साल 1998 में फिलोमिना ग्रोवर से शादी की थी, लेकिन साल 2001 में इन दोनों का तलाक हो गया। गुलशन और फिलोमिना का एक बेटा है जिसका नाम है संजय ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर इसके बाद साल 2001 में कशिश ग्रोवर से शादी की, लेकिन यह शादी भी सिर्फ एक साल तक ही चली और फिर इन लोगों का तलाक हो गया। गुलशन ग्रोवर जी के पिता का नाम विशंबर नाथ ग्रोवर है और माता का नाम राम राखी ग्रोवर है, और इनके परिवार में इनके भाई का नाम रमेश ग्रोवर, सोनू ग्रोवर है और इनकी बहन का नाम रीता ग्रोवर है।
दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रीनरी लगाई गई है, पूरा हरे भरे पौधे ऊपर लगाए गए हैं और उसको सजाया गया है। ये फ्लैट ना बहुत ही सुंदर फ्लैट है, मतलब कि यहाँ पर साफ सफाई बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। आपको बता दें कि गुलशन ग्रोवर जी के नेटवर्थ के बारे में बात करें तो इनका टोटल नेटवर्थ करीब 132 करोड़ रुपए है और इनका घर मुंबई के अलावा दिल्ली में भी है। आपको बता दें कि बैडमैन एक फिल्म के लिए करीब 2 से 3 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं। इसके अलावा वो ब्रांड प्रमोशन के लिए 1 करोड़ रुपए वसूलते हैं। विज्ञापनों के अलावा वो पब्लिक गेस्ट अपीयरेंस से भी कमाई करते हैं और मुंबई के अंधेरी इलाके में भी उनका एक आलीशान घर है जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है और इस घर की कीमत करीब 50 करोड़ से ऊपर है। अगर यहीं पर इनके कार कलेक्शन की बात कर लें तो गुलशन ग्रोवर जी बहुत ही लग्जरी गाड़ियों का शौक भी रखते हैं। इनकी सबसे पहली गाड़ी आती है हुंडई क्रेटा जिसकी प्राइस है 25 लाख रुपए। वहीं पर सेकेंड गाड़ी आती है मर्सिडीज बेंज सी क्लास, इस गाड़ी की प्राइस है 1 करोड़ रुपए। वहीं पर तीसरी गाड़ी आती है टोयोटा इनोवा जिसकी प्राइस है 20 लाख रुपए और चौथी गाड़ी है ऑडी Q3 जिसकी प्राइस है 60 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों गुलशन ग्रोवर जी इसी बिल्डिंग के अपने घर में रहते हैं। आपको इस घर का पता हम बता दें तो इस बिल्डिंग का नाम है वुड स्टॉक JP रोड वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मैंने आज की इस वीडियो में आपको गुलशन ग्रोवर जी का घर दिखाया है कि हमारे महान अभिनेता महान खलनायक गुलशन ग्रोवर जी मुंबई में कहां पर रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये आलीशान बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, इसी आलीशान बिल्डिंग में गुलशन ग्रोवर जी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही इनका अंधेरी वाला घर भी हम आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।